हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एमीटर क्या होता है और एमीटर के द्वारा जो रीडिंग है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, है ना। आज हम क्या देखेंगे कि मैंने ये बताया था कि सबसे पहले मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करंट और वोल्टेज दोनों मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका एक मेन ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो करंट मेजर करता है वो क्या है, माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर के रेंज का करंट मेजर करता है। आई मीन वेरी स्मॉल रेंज का जो होता है वो क्या होता है, करंट मेजर करता है। तो यदि आपको लार्जर रेंज का करंट मेजर करना है बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर, तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हमने क्या यहाँ कंसीडर किया है, आरएस। आरएस को हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टर। क्या है, शंट रेजिस्टर्स। अब क्या होगा, देखो ये लॉजिकल चीजें हैं। अभी क्या है, यदि ये आरएस कनेक्टेड नहीं है, क्या है, आरएस कनेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्ट जो करंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन आपको भी मालूम है कि जब हम एक और रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, ऐसे कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि ये क्या है, यदि ये जितना ही जी का वैल्यू जितना ही कम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ही हम कम कर दें, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट सर्किट से फ्लो होगा। समझ में आई आपको बात। तो अभी जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है, आर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से करंट मान लो कि आ ही जा रहा है। अब यदि इस आर को हम ऐसे करें कि आर के जगह कुछ कम रेजिस्टेंस आ जाए, तो ऑफकोर्स एक करंट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा फ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यदि आपको ग्रेटर रेंज का, हमने क्या किया है, हमने यहाँ लिखा भी है, गैल्वेनोमीटर इज मेजर्ड वेरी स्मॉल रेंज ऑफ करंट सच एज माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर, हेंस टू मेजर द लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अब अपने क्या करना है, मुझे मेजर करना है आई एम्पियर का करंट मेजर करना है, किसके हेल्प से, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। तो हम डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हम कितने मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकते हैं, आईजी। इसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब क्या होगा, मुझे आई मेजर करना है, जो आई क्या है, आईजी से क्या है, बड़ा है, आईजी से लार्जर वैल्यू का करंट मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करोगे तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, बाद में मैं इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ए आर ए एंड दिस इज आई, दिस इज आर ए इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आर ए एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। यहां इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लिखोगे तो आर ए, देखो ये क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो जी आर एस अपॉन क्या होगा, आर एस प्लस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब ध्यान देना है, देखो क्या है कि ये आर एस का जो वैल्यू होता है वो जी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। द वैल्यू ऑफ आर एस, यहां देख सकते हो कि आई, यहाँ देखो ये दोनों क्या है, देखो तो G और RS दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं कि IG, IG into G is equal to क्या होगा, I minus IG into क्या होगा, RS। तो हम लिख सकते हैं RS is equal to क्या होगा, IG, G upon क्या होगा, I minus IG। This is the, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट द शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस, दिस इज क्या है, करंट टू बी मेजर्ड, एंड दिस इज क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट।
स्केल डिफ्लेक्शन कर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर। और जी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मैंने कि जैसा कि बताया, क्या बताया कि RS का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, G से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए द वैल्यू ऑफ। तो क्या है, एक कभी कभी पूछा जाता है कि आपको मान लो कि 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो इसका वैल्यू दिया रहा है, पूछा जाए कि पैरेलल में, आई मीन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम कितने ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर करें, आई मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंटिंग रेजिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम आपको माइंड में रखना है और फिर ये रिजल्ट याद नहीं रखना है। देखो क्या है, बस ये डायग्राम याद रखोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि देखो क्या होना चाहिए, आरए का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल। देखो तो एमीटर रेजिस्टेंस जो होगा, आई मीन क्या होगा, एमीटर रेजिस्टेंस आर ए इक्वल टू क्या होगा, आर ए इक्वल टू जी आर एस अपॉन क्या होगा, आर एस प्लस जी। अब आर एस का वैल्यू देखो यहां से ध्यान से, ये क्या होगा जी, तो आप इसको लिख सकते हो जी, आई मीन जी अपॉन क्या लिख सकते हो, वन प्लस जी अपॉन क्या होगा, आर एस, ठीक है। अब देखो जितना ही क्या होगा स्मॉलर होगा, आर एस का वैल्यू जितना ही स्मॉलर होगा उतना ही ये वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा जी के रिस्पेक्ट में। ग्रेटर द वैल्यू, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्या है, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू तो यहां लिख लेना कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टर RS इज वेरी स्मॉल एज compared to internal internal resistance of galvanometer। तो ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या याद रखना है कि टू क्या है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर वी कनेक्ट वन रेसिस्टर्स आर एस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, दिस रेजिस्टर्स इज कॉल्ड शंटिंग या शंट रेजिस्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शंटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, शंटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और द रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टर इज मच मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर, इस पे आप न्यूमेरिकल देख लेना, है ना, आगे भी इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब जब आप कहां मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। तो अगला जो पॉइंट क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference between two points
पॉइंट्स इन अ सर्किट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है, दो पॉइंट के बीच, है ना। अब क्या है, सिंबल जो है, सिंबल सिंबल जो होगा क्या होगा, देखो पोटेंशियल वोल्ट मीटर का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ठीक है। यदि इधर से करंट जा रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, प्लस होगा और क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होगा। अब यहाँ ये चीज आपको ध्यान देना है कि टू मेजर, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू क्या होगा, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट, पैरेलल इन द सर्किट। ठीक है, क्या है सर्किट के, क्या है पैरेलली क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। जबकि एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में कनेक्ट करते। जैसे आप एग्जांपल देखो, उसके बाद हम आते हैं इस पे। यहां देखो कि मान लो कि एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है, यहां ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का ए, और यहां मुझे क्या करना है, एक सिंपल यहां एक इसकी क्रॉस, यही आर है, इसकी क्रॉस मुझे क्या करना है, आर के क्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। किसके क्रॉस, आर के क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब देखो यदि करंट ऐसे आ रहा है तो ये वाला जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये और क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, यही होगा। दिस विल बी क्या होगा, एट हायर पोटेंशियल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। अब सिंपल यहां देखो, यहां करंट मान लो कि क्या है, बैटरी जो है करंट कितना सप्लाई कर रहा है, आई, है ना। अब मैं यहां मान लेता हूं, क्या मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि वोल्ट मीटर, दो तरह के वोल्ट मीटर होंगे, एक आइडियल वोल्ट मीटर और एक क्या है, नॉन आइडियल वोल्ट मीटर। तो मैं एक जनरल रिजल्ट बताता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंटरनल, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर का, वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। देखो यदि ये वोल्ट मीटर नहीं होता तो इसके क्रॉस आपको ही मालूम है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, आई इंटू आर। अब वोल्ट मीटर जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जब कम होगा तो क्या होगा, करंट, कुछ करंट इधर से चला जाएगा। तो जितना करंट आर के थ्रू पहले जा रहा था बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर, अब उतना करंट नहीं जाएगा, कुछ करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो टू मेजर क्या होगा, टू एक्यूरेट रीडिंग या टू मेजर एक्चुअल रीडिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज आइडियली इनफाइनाइट। क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, ये क्या होगा, जितना करंट पहले इसके थ्रू फ्लो हो रहा था उतना ही करंट क्या हो, होगा अभी फ्लो। आई मीन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि यदि पहले बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर इस रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई हो रहा था, तो आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर करंट मस्ट ऑल्सो फ्लो आई एक थ्रू द आर। आर के थ्रू कितना करंट फ्लो होना चाहिए, आई ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, आई मीन रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर चेंज नहीं होगा। अब हम यदि इसका मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है, देखो क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, हमने मान लिया यहां कि लेट आर बी
आरवी क्या है लेट आरवी क्या है इंटरनल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ठीक है आरवी अब मुझे क्या मेजर करना है वी ए बी मेजर करना देखना समझना वी ए बी मेजर करना है वी ए बी यही मेजर करना है तो अब क्या होगा कि जब यहां से आई आएगा तो क्या होगा देखो सर्किट जब मैं इधर रीड्रॉ करूं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं वो तो देखो सर्किट जब रीड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे हो जाए देखो बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग ट्रू रीडिंग क्या है देखो तो यहाँ लिख देंगे बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर वी ए बी क्या होगा आई इंटू क्या होगा आर क्या होगा आई इंटू क्या होगा आर वी ए बी क्या होगा आई इंटू आर अपने को किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है आर के अक्रॉस जिसके अक्रॉस मेजर करना है उसके अक्रॉस उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो देखो यहाँ से ये बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है VAB है अब हमने क्या किया सर्किट रीड्रॉ कर दिया और सर्किट रीड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे सर्किट बने आर ए आर ई अब देखो यहां से करंट आ रहा था इधर कुछ करंट चला जाएगा यार आई वन चला जाएगा और इधर मान लो कि क्या होगा आई टू अब I2 जो होगा अभी जो रीडिंग आप मेजर करोगे आई मीन सिंपल इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर आफ्टर कनेक्टिंग वोल्ट आफ्टर कनेक्टिंग कनेक्टिंग वोल्ट मीटर देखो रीडिंग क्या हो जाएगा सिंपल रीडिंग क्या हो जाएगा वी ए बी आई मीन वी ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा आइदर क्या होगा आई टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई वन क्या हो जाएगा आर वी यही होगा ना यार क्यों क्योंकि दोनों क्या है पैरल में है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो या इसके अक्रॉस कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हम आसानी से क्या लिख सकते हैं देखो आई टू का वैल्यू लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू क्या होगा पैरल कॉम्बिनेशन से देखो हम लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू क्या होगा आर वी आई अपॉन क्या होगा आर प्लस आर वी यही होगा ना यार तो हम लिख सकते हैं यहां देखो वी ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा आई मीन आर वी आर आई अपॉन क्या होगा आर प्लस आर वी ये देखो क्या हुआ ये वोल्ट मीटर का एक्चुअल रीडिंग क्या हुआ दिस इज एक्चुअल रीडिंग एक्चुअल रीडिंग ही होना चाहिए और ये क्या हुआ हम बोल सकते हैं कि अपेरेंट रीडिंग हुआ अपेरेंट रीडिंग क्या हुआ अपेरेंट अब मुझे एक्चुअल रीडिंग मेजर करना है मुझे ये रीडिंग मेजर नहीं करना ये तो इनएक्यूरेट रीडिंग हुआ ये मुझे मेजर ही नहीं करना है ये तो एरर हो गया यार अब मुझे क्या करना है देखो क्या कंडीशन होना चाहिए फिर आपको समझ में आएगा तो हम लिख सकते हैं कि वी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखो तो वी ए बी डैश इज इक्वल टू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी इंटू वी ए बी ये क्या हुआ ट्रू रीडिंग हुआ ये क्या हुआ अपेरेंट रीडिंग हुआ तो देखो यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी डैश इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन वन प्लस आर अपॉन आर वी सही है अब आप यहां से बता सकते हो देखो ये पूछा भी जाता है कि एरर क्या होगा एरर हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आइदर एमीटर के द्वारा एरर फाइंड आउट करो और वोल्ट मीटर के द्वारा जो मेजरमेंट में एरर होगा उसको फाइंड आउट करो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहां जस्ट मैं बता रहा था आपको अब देखो क्या होगा कि जितना ज्यादा क्या होगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आर वी क्या होगा मोर एक्यूरेट आई मीन मोर एक्यूरेट विल बी क्या होगा रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर देखो ये क्या हुआ दिस इज एक्चुअल रीडिंग आई मीन ट्रू रीडिंग
इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रीडिंग बोलेंगे, और दिस इज क्या बोलेंगे, अपेरेंट रीडिंग, अपेरेंट रीडिंग, ठीक है। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। और दिस इज, समझ में आया आपको? अब क्या होगा, देखो यहां ध्यान से, हम यहां से बोल सकते हैं कि ग्रेटर द क्या होगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ आरबी, मोर एक्यूरेट विल बी द क्या होगा, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड वाइस वर्सा। तो क्या होगा, यहां लिख सकते हैं कि ग्रेटर, ग्रेटर द वैल्यू, वैल्यू ऑफ आरबी, मोर More accurate will be the क्या होगा, will be the reading of voltmeter, reading of voltmeter and vice versa, ठीक है। जितना ज्यादा आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही AB, VAB dash is equal to क्या होगा, nearly VAB। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि प्रैक्टिकली हेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल, क्या होना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं, हेंस क्या होगा, हेंस, हेंस प्रैक्टिकली ये पूछा जाता है, प्रैक्टिकली इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। और आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली देखो तो यदि आरवी क्या हो जाए, आरवी आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होगा, इफ आइडियली यहां भी लिख सकते हैं, आइडियली आर बी मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इनफाइनाइट, देन क्या होगा, देन क्या होगा, वी ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा, आई मीन इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई एरर नहीं होगा, क्या होगा, कोई एरर नहीं होगा, क्या होगा, एररलेस हो जाएगा, आई मीन जो वोल्ट मीटर के द्वारा रीडिंग होगा वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट क्या होगा, रीडिंग होगा। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि एरर कितना होगा, तो देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं, यदि वोल्ट मीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम नॉन आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये, और यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई मीन कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोलेंगे, और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉरी इनफाइनाइट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो रियली में आइडियल वोल्ट मीटर नहीं होता, इवन कुछ करंट क्या होगा, ऐसे होना चाहिए कि वोल्ट मीटर को क्या होना चाहिए, जब आप सर्किट में कनेक्ट करो तो कुछ भी करंट अपने थ्रू विदड्रॉ नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था ना अभी कि यदि क्या होगा, उसके थ्रू कुछ करंट नहीं फ्लो होगा तो करंट जितना पहले फ्लो हो रहा था आर के थ्रू उतना ही क्या होगा, फ्लो होगा। ये चीज क्या है आपको माइंड में रखना है, दो चीजें कि क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल एंड आइडियली इट शुड बी इंफिनिटी, क्या होना चाहिए, आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मस्ट बी इंफिनिटी, ठीक है। आरवी का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, आई मीन बहुत ही लार्ज होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि देखो, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि आरबी, यहां बोल सकते हैं कि आरबी इज मच मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, आपको ही मालूम है कि रियली में कोई चीज इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो इस पे कुछ एक एग्जांपल हम देख लें, है ना, कि यहां देखो एक एग्जांपल देखो, ओवरऑल क्या होना चाहिए, आपको ओम्स लॉ आना चाहिए, सॉरी क्या है, किरचॉफ लॉ आना चाहिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
देखो यहां क्या करना है, फाइंड द क्या होगा रीडिंग ऑफ एमीटर एज वेल एज वोल्ट मीटर एज शोन इन द फिगर आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा, आप देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग देखो क्या है, पहले आप वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ए ए और दिस इज बी, ठीक है, यहां से करंट जाएगा, तो देखो इधर भी रेजिस्टेंस है, तो इधर कुछ करंट क्या होगा आई आई वन जाएगा और इधर क्या होगा आई टू जाएगा, अगेन आई जाएगा, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि वोल्ट मीटर का रीडिंग जो होगा वो क्या होगा, आप बता सकते हो वी ए बी होगा, क्या होगा वी ए बी, तो यहां मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा वी ए बी, अब वी ए बी क्या होगा, देखो यहां 400 है, यहां भी इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू क्या होगा वी ए बी एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा 400 आई वन, ठीक है, यही होगा ना, तो अब आई वन हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखो क्या करना है, उसी तरह बाद में हम वैल्यू रख देंगे, रीडिंग ऑफ क्या होगा एमीटर, एमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आई, ठीक है, अब मुझे सबसे तो पहले देखो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, अभी आपको क्या करना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस एमीटर और वोल्ट मीटर को क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है यदि होगा, और नहीं तो इंटरनल आइडियल, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर, तो देखो यहाँ एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0 ओम होता है, इसका वोल्ट मीटर क्या है, यहाँ वोल्ट मीटर नॉन आइडियल है, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, तो सर्किट रीड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ठीक है, तो सॉरी ये कितना होगा 400 ओम और ये क्या हो जाएगा 400 ओम, ठीक है, क्या हो जाएगा 400 और 400 यहाँ क्या है 20 वोल्ट और ये क्या है कितना दिया हुआ है 200 ओम दिया हुआ है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे हाफ हो जाता है यार, तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये 200 ओम और दिस इज ऑल्सो 200 ओम और दिस इज 20 वोल्ट, अब तो करंट मालूम चल गया यार, तो I इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20/400, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 20/ क्या लिख सकते हैं 400, तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, यही होगा ना, क्या हुआ 1/20, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या हुआ एम्पियर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.005 एम्पियर, इतना लिख सकते हैं, तो एमीटर का रीडिंग क्या हुआ आई, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या हुआ आई है ना, देखो रीडिंग ऑफ एमीटर क्या है आई है, तो एमीटर का रीडिंग कितना मिला आपने को 0.05 एम्पियर, अब वोल्ट मीटर के रीडिंग के लिए मुझे आई वन कैलकुलेट करना है, अब देखो क्या है यहाँ रेसिस्टेंस क्या है सेम है, तो करंट क्या हो जाएगा इक्वली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना यार, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो अब आई वन कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे आई आर टू अपॉन क्या लिखते हैं आर वन प्लस आर टू, यही मालूम है ना, तो देखो तो आई कितना दिया हुआ है
400 divided by 800 यही है ना। अब ये कितना हो जाएगा, क्या होगा 0.05 बाई कितना हुआ 2। तो आई जैसे ही मालूम चल गया तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा, देखो 400 I1। तो यहां लिख सकते हैं कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू क्या होगा 400 × I1 0.05 बाई क्या हो जाएगा 2। एक कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा, देखो 4 × 5/2 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा रीडिंग जो होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं रीडिंग वोल्ट मीटर के द्वारा और एमीटर के द्वारा। केवल क्या करना है, दो पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको रीडिंग मेजर करना हो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है वोल्ट मीटर और एमीटर का तो उसको क्या कंसीडर करना है, आइडियल एमीटर एंड क्या है आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर करना है। यदि क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वोल्ट मीटर और एमीटर को क्या करो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करो रिप्लेस कर दो। और फिर सिंपल क्या करना है सर्किट KVL और KCL यूज करके आपको क्या करना है करंट कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद ओम्स लॉ यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, है ना। देखो मान लो कि क्या है 2R, ऐसे देखो यहां एक कैपेसिटर दिया हुआ है सी, ये R है ना, और यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2R और यहां नहीं इसको R मान लो और इसको 2R। क्या एक बैटरी है जिसका EMF क्या है E दिया हुआ है और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ मैंने क्या किया देखो एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या किया एमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने ये वोल्ट मीटर ये V1 है ना और एक दूसरा वोल्ट मीटर V2 कनेक्ट कर दिया। देखो देखना है आपको समझना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखो कई क्वेश्चन फाइंड क्या है रीडिंग, ये में क्या है देखो रीडिंग ऑफ V1 V2 एंड E stand for emitter, B में क्या है या यहां भी मैं क्या कर रहा हूं चलो एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं इसको 5R मैं मान लेता हूं। ठीक है, फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये हमेशा देखो स्टेडी स्टेट चार्ज जो है मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां ये बताया था। तो पहले आपको क्या करना है ये सब जो है स्टेडी स्टेट सिचुएशन में आपको क्या करना है यहां ये दिखना फाइंड द रीडिंग यहां ये कंफ्यूज मत हो जाए। देखो क्या है V1 ये सभी क्या है कैपेसिटर क्या है स्टेडी स्टेट में है तो क्या है यहां मैं फिर से लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज। देखो क्या है कि व्हेन द कैपेसिटर फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट एज वेल एज रीडिंग ऑफ
V1, V2 एंड एमीटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख लेना फाइन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ क्या लिखना है कि फाइंड, ऐसे लिख लेना फाइंड, ये में फाइंड लिखना चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट एज वेल एज रीडिंग ऑफ V1, V2 एंड ए, एज ए स्टैंड फॉर V1, V2 वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2, ए स्टैंड फॉर एमीटर एज सोन इन द फिगर, सोन इन द क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक ही पॉइंट इसमें याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, कि मैंने ये बताया था कि इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट इन स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू, नो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू कोई चार्ज नहीं फ्लो, तो जब इस सॉरी कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो जब इधर से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो वाला जो रेजिस्टर होगा वो क्या होगा, मैंने ये भी बताया था कि इन स्टेडी स्टेट रिप्लेस ऑल रेजिस्टर बाय ए कंडक्टिंग वायर विच रिप्लेस ऑल रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर बाय ए कंडक्टिंग वायर। सिंपल क्या करना है कि एक कंडक्टिंग वायर से मुझे क्या करना है, रिप्लेस कर देना है इसको। अब देखो इसके बीच यहाँ यदि मैं ए और यहाँ बी पॉइंट लिख दूँ, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि Q नॉट स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू वी ए बी, यही होगा। अब अपने को क्या चाहिए, स्टेडी स्टेट पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस स्टेडी स्टेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसको, अब क्या है यहाँ वोल्ट मीटर और एमीटर जो है क्या हो आइडियल है, क्या है यहाँ V1, V2 क्या होगा, V1, V2 एंड E आर क्या होगा आइडियल, तो आइडियल है तो हम क्या करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट आप जब रीड्रॉ करोगे तो कुछ सर्किट ऐसे बन जाएगा, क्या होगा कुछ सर्किट ऐसे बन जाएगा। देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो हम वोल्ट मीटर को ओपन स्विच से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, वाइल एमीटर को क्या करते हैं क्लोज स्विच से रिप्लेस करते हैं, ये ध्यान देना है ना। तो ये क्या होगा ऐसे सर्किट, रिप्लेस वोल्ट मीटर बाई ओपन स्विच। ठीक है, ए टू आर, है ना, ये क्या हुआ 2R, R, R, उसके बाद यहां इसको क्या करना है रिप्लेस एमीटर बाय, ठीक है, यहां भी हमने क्या किया ओपन स्विच से क्या किया वोल्ट मीटर को, आइडियल वोल्ट मीटर को हम ओपन स्विच से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है E, इसका EMF कितना है, E दिया हुआ है, EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या माना है R, यहां से अब क्या होगा करंट जाएगा यार, अब देखो एक करंट जाएगा तो I1 इधर चला जाएगा और इधर क्या होगा I2, यहां देखो इधर से कोई करंट, इधर से करंट क्या होता है जीरो होता है, स्टेडी स्टेट में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो जो करंट इधर आएगा वही करंट क्या हो जाएगा
इधर चला जाएगा और जो करंट इधर से पास होगा वही क्या होगा, इधर जाएगा। सॉरी, इसका मतलब क्या है? देखो ये 2R और ये 2R क्या है, सीरीज में है क्या? क्योंकि करंट क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बोथ आर क्या है, बोथ क्या है, आर इन सीरीज। देखना है उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है क्या, क्या है सीरीज में है। अभी क्या करेंगे, कैपेसिटर को सर्किट से ही हटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में सबसे अच्छा क्या है, तुमको सॉल्व करना हो तो कैपेसिटर को क्या करो, सर्किट से हटा दो। क्या करो, कैपेसिटर को सर्किट से रिमूव कर दो। तो हमने क्या किया, सर्किट से ही रिमूव कर दो, आपको कंफ्यूजन हो तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो देखो तो सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा 3R, ये भी कितना होगा 3R, और दिस इज सर्किट हो गया ए आर, ये कितना होगा ई। अब आप आसानी से क्या होगा, देखो ये दोनों पैरेलल में है तो इनको एक और क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दो। ये क्या हो जाएगा 1.5R, ये कितना हुआ 1.5E, एंड दिस इज R। तो I इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो गया, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E अपॉन 2.5R। तो एमीटर के द्वारा रीडिंग मालूम चल गया, दिस इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ एमीटर। क्या है रीडिंग ऑफ एमीटर, क्या है रीडिंग ऑफ एमीटर मालूम चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, वी ए बी चाहिए, यही था ना ए और बी। अब यार अपने को आई मालूम चल गया तो हम आई वन भी निकाल सकते हैं और आई टू भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो अब आई वन देखो, तो इसको यदि मैं पी मान लूं, देखो ध्यान से इसको पी मान लूं, तो हम लिख सकते हैं वी पी माइनस, पहले हम ये लिख लेते हैं क्या आई टू, तो आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे आई टू इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ध्यान से इधर ये दोनों ब्रांच में क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना इधर भी 3R है और इधर भी क्या है 3R है। अब ऐसे देखो, ऐसे सर्किट देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो अरे ये 2RR और ये क्या होगा 2RR, तो इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि I2 इक्वल टू क्या होगा I बाई टू और I1 इज इक्वल टू भी क्या होगा I बाई टू ठीक है। अब देखो भी मैं ये लिख सकता हूं VP माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा 2R I2, आई मीन क्या लिख सकते हैं 2R इंटू I बाई टू, आई मीन क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं। उसी तरह हम लिख सकते हैं VP माइनस VB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I1 R, क्या लिख सकते हैं I1 R। तो I1 R आई मीन क्या लिख सकते हैं I R बाई क्या होगा 2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से बता सकते हो कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा लोअर। देखो तो ये वाला क्या है, इससे क्या है कम है, इसका मतलब VB क्या होगा VA से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा आई आर बाई क्या हो जाएगा 2। और ए कितना, आई का वैल्यू कितना मिला था ई अपॉन 2.5R इंटू आर बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ए कितना मिला ई अपॉन 5, यही मिला ना, आई मीन कितना मिला 0.2 ई। अब भी ए बी मिल गया, भी ए बी मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, देखो दिस विल बी, हाँ ए बी क्या होगा भी ए बी भी मिल गया, तो भी ए बी, भी ए बी आई मीन भी बी ए इज इक्वल टू क्या हुआ 0.2A। अब आपसे देखो तो रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 क्या होगा, यही होगा क्या। तो रीडिंग ऑफ
हाँ पहले हम चार्ज लिख लें। देखो यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ वी वन एंड दिस इज नथिंग बट देन क्या होगा रीडिंग ऑफ वी टू, यही होगा ना। तो दिस इज रीडिंग रीडिंग या ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ दिस इज क्या होगा रीडिंग ऑफ वी वन एंड दिस इज रीडिंग ऑफ वी टू, ठीक है। अब चार्ज भी लिख सकते हो, तो Q नट इक्वल टू क्या होगा सी वी वी ए बी और ये कितना होगा देखो तो पॉइंट टू ए इंटू सी, तो यही क्या हो गया स्टेडी स्टेट चार्ज तुमको मालूम चल गया। अब एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं रीडिंग क्या है गैल्वेनोम सॉरी वोल्ट मीटर के द्वारा रीडिंग को हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, क्या पढ़ेंगे हम गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर, ठीक है। तो क्या है हम क्या करते हैं टू कन्वर्ट वोल्टमीटर सॉरी टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर वी कनेक्ट ए रेसिस्टर्स रेसिस्टर आर इन सीरीज with series with galvanometer, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है galvanometer है इधर से क्या है full scale deflection current जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है galvanometer हो गया। अब मुझे क्या करना है इसको वोल्ट मीटर की तरह क्या करना है ट्रीट करना है, तो हम क्या करेंगे मैंने क्या बताया कि इसके सीरीज में एक रेजिस्टर क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे आर, ठीक है। तो ये क्या हुआ वोल्ट मीटर हो गया, क्या हो गया वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या होगा गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, ये हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू इससे जी से बहुत ही ज्यादा होगा, अभी मैं बता रहा हूं कि जी से ज्यादा कैसे होगा। देखो यहाँ जो रीडिंग है यहाँ जो रीडिंग होगा वो क्या होगा वी ए बी इक्वल टू क्या होगा VAB इक्वल टू क्या IG इंटू G होगा, यही होगा ना यार। यहाँ आपसे कोई पूछे ये पॉइंट A और ये B मान लो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि VAB इक्वल टू क्या होगा IG इंटू G, यही होगा ना रीडिंग यार। अरे यही रीडिंग होगा ना, अब ऑब्वियसली यही होगा। अब मुझे क्या करना है इतना रीडिंग नहीं मेजर करना है, मुझे लार्जर रीडिंग मेजर करना है। मान लो कि मुझे क्या रीडिंग मेजर करना है वी वोल्ट का रीडिंग मेजर करना है, तो हमने क्या किया एक वोल्ट मीटर आई मीन गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने क्या किया एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसका वैल्यू जी से क्या होगा बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ से आईजी जा रहा है तो वी ए बी पहले इतना था, अब वी ए बी क्या हो जाएगा वी ए बी, देखो आपको ये लग रहा है देखो, तो अब हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा देखो ए और ए दोनों क्या है सीरीज में है क्या, अरे सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी प्लस आर इंटू क्या होगा इंटू
greater the value of R with respect to G, more will be the क्या होगा potential measured, potential difference measured by the galvanometer, and hence क्या होगा vice versa. तेही क्या होगा, this is the reading of galvanometer as a voltmeter. यही क्या होगा, VAB हो गया. हम क्या करते हैं, ये इसका वैल्यू इस तरह कनेक्ट करते हैं कि क्योंकि मुझे क्या करना है, लार्जर इसके इससे ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ये वाला आर का वैल्यू. तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा, आर लार्जर विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड क्या होगा वाइस वर्सा. ठीक है, क्या होगा वाइस वर्सा. तो याद रखना है कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, और यही क्या हो गया रीडिंग. तो फिर से देखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू क्या होगा वोल्ट मीटर, वी ऑलवेज कनेक्ट ए रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज लार्जर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द क्या होगा गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही. कल हम क्या इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, थैंक यू.